हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन पीवीपी वीडियो क्लासेस। आई एम पंकज कुमार त्रिपाठी, गोइंग टू प्रेजेंट 14th वीडियो लेक्चर ऑन द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एजमेंट एक्ट 1882 एंड दिस इज वीडियो नंबर 24A ऑन द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। इट मीन दिस इज कॉमन लेक्चर ऑन द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड ऑफ the provisions of the Indian Agreement Act 1882. In this lecture, we will distinguish license from lease and easement from lease. Okay? मित्रों, इस व्याख्यान में हम लोग अनुज्ञप्ति और पट्टे में तथा सुखाचार और पट्टे में अंतर को समझेंगे, क्योंकि पट्टा संपत्ति अंतर अधिनियम 1882 से शासित होता है, जबकि लाइसेंस और इजमेंट अनुज्ञप्ति और सुखाचार भारतीय सुखाचार अधिनियम से। इस नाते यह वीडियो लेक्चर एक कॉमन वीडियो लेक्चर है जो इजमेंट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दोनों में पढ़ा जाएगा। ओके, द फर्स्ट थिंग दैट इज डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस, लाइसेंस एंड लीज। पहले आई वुड लाइक टू रीड with the notes of PVP. Okay, this is Hindi medium notes and the same notes is available in English medium also. पट्टा और अनुज्ञप्ति में क्या अंतर है? यह हिंदी माध्यम में PVP का नोट्स है, इंग्लिश मीडियम में भी ऐसा ही नोट्स है। तो इतने प्रकार के अंतर दिए गए हैं। अनुज्ञप्ति यह अधिकार का अंतरण नहीं बल्कि एक प्रकार की छूट है। पट्टा पट्टा के माध्यम से संपत्ति का अधिकार अंतरित होता है, अर्थात ये किसी हित का अंतरण नहीं है, जबकि हित का अंतरण है, क्योंकि यह छूट है तो कभी भी वापस ली जा सकती है, रियोकेबल होती है। जबकि क्योंकि यह अधिकार का सृजन है, इस नाते शर्तानुसार पूर्व सूचना दिए जाने पर ही समापन संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि यह छूट है अतः किसी अन्य द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति का अंतरण सामान्यतः नहीं कर सकता। जब तक कि रोक न लगाई गई वो पट्टा के अधीन हितों का अंतरण किया जा सकता है, यानी यह सामान्यतः अनंतरणीय है, जबकि यह सामान्यतः अंतरणीय है। अनुज्ञप्ति के गठन के लिए किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, जबकि यदि पट्टा वर्षानुवर्षी या एक वर्ष तक के लिए है तो उसका पंजीकरण आवश्यक है। यह बिना प्रतिफल के भी हो सकती है, जबकि पट्टा के लिए सदैव प्रतिफल आवश्यक है। अनुज्ञप्ति विषय प्रावधान भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अध्याय 6 से शासित होते हैं, जबकि पट्टा विषय प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 6 से शासित होते हैं। द डिफरेंसेज बिटवीन द टू लाइसेंस एंड लीज, दैट लाइसेंस इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, दो बोथ आर रिलेटेड विद द इमूवेबल प्रॉपर्टी। While there is an interest is transferred is created in the favor of transferee by way of lease. Because it is just a grant, so it might be revoked at any time, as per the provisions laid down in section 60, 61, 62 of the Indian Agreement Act. While because there is a right has been created in favor of transferee, so without giving prior notice to the transferee, lessee, or on any ground expressly mentioned in the law, a lease cannot be revoked. Because this is a grant, so it cannot be exercised except the person in whose favor the grant has been given, the license has been granted, nor he can transfer the license while this is transferable unless it is barred. Unless it has been declared to be non-transferable. So this is generally non-transferable, this is generally transferable. There is no formality is required to constitute a license, while in case of a lease year to year or for more than a time period of 1 year, registration is required. This may be without consideration or with consideration, while for lease consideration is essential element. The provisions related to license has been laid down in the Indian Agreement Act 1882, while
द प्रोविजन लीज इज गवर्न थ्रू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. सो दीज आर द डिफरेंसेस. बट हाउ टू डिटरमाइन दैट whether a ट्रांसफर whether a अथॉरिटी इज बाय वे ऑफ लाइसेंस और बाय वे ऑफ लीज. हाउ टू बी डिसाइडेड, हाउ टू बी डिटरमाइंड, कैसे निर्धारित किया जाएगा कि कोई दिया गया पट्टा, सॉरी कोई किया दिया गया प्राधिकार अचल संपत्ति के उपभोग का अधिकार अनुज्ञप्ति है या कि पट्टा है. इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है जिसका नाम है प्रदीप आयल कॉरपोरेशन वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, AIR 2011, 1869. This is very, very important case on this point. Okay? Here the court held that a license may be created or on deal or parole and it would be revocable. However, when it is accompanied with grant, it becomes irrevocable. A mere license does not create interest in the property to which it relates. License may be personal or contractual. A licensee without the grant creates a right in the licensor to enter into land and enjoy it. Lease, on the other hand, would amount to transfer of property. Pradeep Iyer Corporation बनाम दिल्ली नगर निगम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पट्टा और अनुज्ञप्ति के अंतर पर विशेष चर्चा की और यह माना कि जहां अनुज्ञप्ति में किसी हित का अंतरण नहीं है, किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं उस सृजन के लिए और उसे कभी भी विखंडित किया जा सकता है, वहीं पट्टे में प्रतिफल आवश्यक है, सामान्यतः प्रतिसंहरणीय नहीं है और उसके माध्यम से संपत्ति में हित का अंतरण होता है. द डिस्टिंक्शन, द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट The distinction between lease and license is marked by the last clause of section 52 of the Easement Act, which gives definition to the term license. As by reason of license, no state or interest in the property is created. न्यायालय ने धारा 52 जो अनुज्ञप्ति की परिभाषा करती है, धारा 52 कहाँ की, भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की अंतिम वाक्य पर फोकस किया, केंद्रित किया ध्यान और बताया कि वह बता देता है धारा 52 जो अनुज्ञप्ति की परिभाषा करती है उसका अंतिम पैरा ही इस अंतर को स्पष्ट करता है जिसमें कि यह कहा गया कि अनुज्ञप्ति के माध्यम से जिस संपत्ति पर अनुज्ञप्ति दी जाती है उसमें कोई अधिकार अंतरित नहीं होता, उसके माध्यम से कोई अधिकार सृजित नहीं होता, जबकि पट्टा में अधिकार अंतरित हो जाता है. In another case, that is Kudrat Ullah versus Municipal Board, Bareilly, 1974, volume number 1, SCC, page number 202. The other citation is AIR, 1974, Supreme Court, page number 396. It was observed as paragraph 398 of the AIR. Thus, if an interest in immovable property entitling the transferors to enjoyment is created, it is a lease. If permission to use land without right to exclusive possession is alone granted, a license is the legal result. Okay? एक और भी वाद है यहां, कुदरत उल्लाह बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड बरेली, ठीक है, जिसमें न्यायालय ने कहा कि यदि अचल संपत्ति के उपभोग का कोई अधिकार दिया जाता है, संपत्ति में कोई हित अंतरित किया जाता है, तब वह पट्टा है, लेकिन केवल अगर छूट दी जाती है, अनुमति दी जाती है, तो दिया गया प्राधिकार केवल और लाइसेंस है. ओके, अ लाइसेंस इंटर एलिया इज नॉट असाइनेबल, डज नॉट इंटाइटल द लाइसेंसी टू सू द स्ट्रेंजर इन हिज ओन नेम, इट इज रियोकेबल एंड इट इज डिटरमाइंड व्हेन द ग्रांटर मेक सब्सिक्वेंट असाइनमेंट. ओके, ये साफ साफ कहा गया है कि अनुज्ञप्ति अनंतरणीय है, इसके जरिए कोई हित प्राप्त नहीं होता, अनुज्ञप्ति धारक अपने अनुज्ञप्ति के आधार पर किसी तीसरे व्यक्ति पर कोई मुकदमा नहीं कर सकता और जब
अनुज्ञप्ति दाता का अधिकार समाप्त हो जाता है तो स्वतः ही अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाती है, जबकि पट्टा में ऐसा नहीं है। पट्टा के माध्यम से एक हित प्राप्त होता है, पट्टा के माध्यम से जो हित प्राप्त होता है उस हित की संरक्षा के लिए पट्टा ग्रहीता यानी पट्टेदार न केवल पट्टेदार के पट्टाकर्ता के विरुद्ध वाद संसिद्ध कर सकता है, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति भी अगर उसके पट्टा अधिकारों में हस्तक्षेप करता है तो उसके विरुद्ध भी वाद ला सकता है। और यदि पट्टा अंतरण से पूर्ववर्ती है यानी पहले ही किसी संपत्ति का किसी निश्चित वर्ष के लिए समय के लिए पट्टा किया जा चुका है तो पश्चातवर्ती अंतरण से पट्टा समाप्त नहीं होता। और यदि पट्टा ग्रहीता को अधिकार से रोका नहीं गया है, अंतरण से रोका नहीं गया है, तो अपने हितों का अंतरण कर सकता है। तो इस प्रकार ये अंतर है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस, इन द केस ऑफ संदीप शर्मा वर्सेज मेसर्स साई छाया आउटलिंग प्राइवेट लिमिटेड AIR 2012 पेज नंबर 19 मद्रास सॉरी MP हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज हेल्ड दैट फ्रॉम अ क्लोज स्क्रूटनी ऑफ द अफोरसेड डिसीजंस फॉलोइंग टेस्ट फॉर डिटरमिनेशन वेदर अ डॉक्यूमेंट क्रिएट्स अ लीज और लाइसेंस कैन बी टेकन एज वेल एस्टेब्लिश्ड। अनेक मामलों के आधार पर जिनमें से ये प्रदीप पाल कॉर्पोरेशन का भी मामला है को संज्ञान में रखते हुए जो एक वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था सन 2012 में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस बात के निर्धारण के लिए किसी दस्तावेज में जिसके माध्यम से दिया गया प्राधिकार पट्टा है या अनुज्ञप्ति है का निर्धारण कैसे करें, तो इसके लिए बहुत सारे परीक्षण बिंदु यहां लिखे हैं। कितने? 5। आई एम रीडिंग द AIR, ओके, July 12। फर्स्ट, टू एसर्टेन वेदर अ डॉक्यूमेंट क्रिएट्स लाइसेंस और लीज, सब्सटेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रिफर्ड टू द फॉर्म। ठीक है, यह निर्धारित करने में किसी दस्तावेज से अनुज्ञप्ति प्राप्त होती है या पट्टा, जो दस्तावेज का सार है वह महत्वपूर्ण होगा, न कि उसका स्वरूप। यह दस्तावेज पर भले लिख दिया गया कि इससे पट्टा प्राप्त हो रहा है, तभी पट्टा नहीं प्राप्त होगा अगर दस्तावेज में लिखे गए शब्दों के आधार पर पट्टा की बजाय अनुज्ञप्ति प्रदर्शित होती है। ओके, सो द सब्सटेंस शैल बी द सुपीरियरिटी The paramount consideration shall be given to the substance of document, but not to the form of document. ठीक है, महत्व किसको दिया जाएगा? दस्तावेज में लिखी बात को, न कि उसके स्वरूप को। Okay? The court must refer to the object and the circumstances under which document is executed. The character of the transaction turns on the operative intent of the parties. बहुत महत्वपूर्ण बात है कि न्यायालयों को यह निर्धारित करने में किसी दस्तावेज से पट्टा सृजित हुआ है या अनुज्ञप्ति, संव्यवहार का उद्देश्य और पक्षकारों का आशय अवश्य देखा जाना चाहिए। द रियल टेस्ट, द सेकेंड पॉइंट इज द रियल टेस्ट इज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। द कोर्ट मस्ट अप्लाई द टेस्ट ऑफ डोमिनेंट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। द कोर्ट मस्ट डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द डॉक्यूमेंट बाई आस्किंग इटसेल्फ एज टू व्हाट वाज द डोमिनेंट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इन एक्सक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। द क्वेश्चन वेदर A particular transaction creates lease or license is always the question of intention of the parties and therefore has to be inferred from the facts and circumstances of each case. न्यायालय ने पहले तो दस्तावेज के सार पर और दूसरा फिर पक्षकारों के आशय को महत्व देने की बात की कि आशय के आधार पर निर्धारित होगा कि उनके द्वारा किया गया संव्यवहार पट्टा है या अनुज्ञप्ति। थर्ड इज If a document creates an interest in the property, it is lease. But if it permits an other party to make use of the property of which the legal possession continues with the owner, it is license. ठीक है? तो जहां कब्जे के हित का अंतरण है वहां वह पट्टा है, जहां कब्जा का वैधानिक अधिकार तो स्वामी के साथ है परंतु उसके प्रयोग की छूट भर दे दी गई वह अनुज्ञप्ति है। The fourth point is If under the document a party gets exclusive possession of the property prima facie, he is considered to be a tenant. It means the transaction shall be treated as lease. But circumstances may be established which negative the intention to create a lease. However, the test of exclusive possession is not conclusive by itself to arrive at the conclusion that the transaction is question is a lease. Very important point. Pratham drishtiya, jahan ananya kabja de diya jata hai, wo maan liya jayega ki patta hai. लेकिन यह केवल प्रथम दृष्टि आधार है,
यदि पक्षकारों के आशय से स्पष्ट हो जाता है कि अन्यन्य कब्जा देने के बावजूद भी हित का अंतरण नहीं किया गया था बल्कि केवल छूट दी गई थी तो उसे पट्टा की बजाय अनुज्ञप्ति माना जाएगा। मेयरली एक्सक्लूसिव पोजेशन इज नॉट डिसिसिव फॉर ड्रॉइंग एन इंफरेंस दैट द डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन इज अ लीज एंड नॉट लाइसेंस। द फिफ्थ एंड फिफ्थ पॉइंट इज अ लीज इज अ ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय द प्रीमाइजेस वेयर एज द लाइसेंस इज अ प्रिविलेज टू डू समथिंग ऑन द प्रीमाइजेस व्हिच अदरवाइज वुड बी अनलॉफुल। ठीक है, जहां पट्टा में उपभोग का अधिकार दिया जाता है वहां ही अनुज्ञप्ति में केवल अनुमति भर होती है कि प्रयोग कर ले, संपत्ति का प्रयोग करे, जो कि अनुमति के बिना करने पर एक प्रकार से ट्रेसपास होता, अतिचार होता। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द टेस्ट इज ऑक्यूपेशन ऑफ लाइसेंस इज परमिसिव। ऑक्यूपेशन ऑफ लाइसेंस इज परमिसिव by virtue of a grant of license in his favor, though he does not acquire any right in the property and the property remains in the possession and control of the grantor, but by virtue of such a grant, he acquires a right to remain in occupation so long the license is not revoked and he is not evicted from its occupation, either in accordance with law or otherwise. License के माध्यम से कोई व्यक्ति तब तक उस प्रकार के कार्य करने की छूट पा लेता है जब तक कि उसे इस प्रकार की कार्य करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, जबकि पट्टा में वो अधिकार होता है। सो इन दिस केस नंबर ऑफ टेस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय द कोर्ट टू डिसाइड दैट वेदर अ ग्रांट इज लाइसेंस आर लीज। इस दस्तावेज में, इस निर्णय में न्यायालय ने अनेक प्रकार के परीक्षण सुझाए हैं जिनके आधार पर दस्तावेजों का परीक्षण करके यह निर्धारित किया जाएगा कि अमुक अनुदान अनुज्ञप्ति है या पट्टा। इवन द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ प्रदीप आयल कॉर्पोरेशन वर्सेज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हैज हेल्ड दैट लीज एंड लाइसेंस डिस्टिंक्शन बाय लाइसेंस नो स्टेट और इंटरेस्ट इज प्रॉपर्टी इन प्रॉपर्टी इज ग्रेटेड लीज ऑन अदर हैंड वुड बी अमाउंट टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। And the court held that it is not on the basis of form of document but on the basis of substance of the document and then substance of intention of the parties is material ground to decide that whether a transaction is, whether a grant is license or lease. इसी मामले में न्यायालय ने भी कहा कि दस्तावेज का प्रारूप नहीं बल्कि उसका सार, दस्तावेज निर्गत करने वाले पक्षकारों का आशय, वह मूल आधार है, वह मूल बिंदु है जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि संव्यवहार पट्टा है या अनुज्ञप्ति। नाउ लेट अस डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन इजमेंट एंड लीज। द टर्म इजमेंट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन इजमेंट एक्ट, इंडियन इजमेंट एक्ट भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 4 में सुखाचार परिभाषित है, जबकि धारा 105 संपत्ति अंतर अधिनियम में लीज यानी पट्टा परिभाषित है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल स्टडी ऑफ एंड क्रिटिकल कॉम्पिटेटिव स्टडी ऑफ द बोथ आई हैव ड्रॉन द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। दो लीज एंड लाइसेंस सॉरी दो लीज एंड इजमेंट इन बोथ अ पर्सन हैज राइट टू इंजॉय अदर्स इमोबल प्रॉपर्टी बट देर आर सेवरल मटेरियल डिफरेंसेस बिटवीन द टू काइंड ऑफ situations. Easement, it is without consideration. Easement is always without consideration. But if it is an imposed easement, it might be with consideration. Except the imposed easement. No easement can be with consideration. अधिरोपित सुखाचार के सिवा जितने भी सुखाचार हैं वो कभी भी प्रतिफल पर नहीं होते। अधिरोपित सुखाचार चाहे प्रतिफल पर भी हो सकता है या बिना प्रतिफल के, अर्थात सुखाचार बिना प्रतिफल के हो सकता है बट नो लीज कैन बी विदाउट कंसिडरेशन। इट मीन्स कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर लीज। ओके, पट्टा के लिए प्रतिफल अनिवार्य है। एक अचल संपत्ति के लाभ पर उपभोग के लिए दूसरे संपत्ति पर प्राप्त अधिकार है। इजमेंट इज अ राइट, दिस इज अ राइट
फॉर बेनिफिशियल एंजॉय ऑफ वन प्रॉपर्टी ओके लाइज ऑन द अदर प्रॉपर्टी. इट मीन्स द राइट टू एंजॉय दिस प्रॉपर्टी इज नॉट गिवन टू अ पर्सन बट इट इज वेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी. व्हाइल लीज इज अ राइट थ्रू विच अ पर्सन इज ऑथराइज टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ऑफ अदर. पट्टा में एक व्यक्ति दूसरे की संपत्ति के उपभोग के लिए अधिकृत किया जाता है हित के अंतरण के माध्यम से, जबकि सुखाचार में इस संपत्ति के लाभदायक उपभोग के लिए दूसरे संपत्ति का उपभोग करता है. अर्थात सुखाचार के लिए किसी सामान्य व्यक्ति किसी व्यक्ति को सुखाचार नहीं दिया जा सकता जब तक कि वह दूसरी संपत्ति का स्वामी या अधिभोगी न हो. अर्थात सुखाचार किसी व्यक्ति में निहित नहीं होता बल्कि संपत्ति के साथ जुड़ा होता है जिस संपत्ति के लिए सुखाचार दिया जाता है. His mate is always attached with the dominant heritage, but not with a specific person. While lease is granted with the in favor of any specific person. ठीक है? तो इस प्रकार यह व्यक्ति विशेष का अधिकार है, जबकि यह उस व्यक्ति का अधिकार होता है जो इस पर भोगी या स्वामी है. अर्थात यह संपत्ति से संलग्न अधिकार है. The next point of differences. प्रधान दाय के अंतरण होने पर सुखाचार स्वतः अंतरित हो जाता है और प्राय ऐसे में इसके अंतरित होने पर रोक नहीं लगाई जा सकती. इफ देर वॉज ए एंड देर वॉज बी ओके दिस इज डोमिनेंट हेरिटेज दिस इज सेडिमेंट हेरिटेज. ए हैज राइट टू एंजॉय सम इजमेंट्री राइट ओवर द बी बीज प्रॉपर्टी. देन ए ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू सी. ऑटोमेटिकली द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ इजमेंट इज ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ सी बाई वे ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ द डोमिनेंट हेरिटेज इन फेवर ऑफ सी. इस संपत्ति पर ए कब्जे में है और इसके पक्ष में बी संपत्ति पर बी के संपत्ति पर कुछ सुखाचार का अधिकार है. यदि अपनी संपत्ति अंतरित करता है सी के पक्ष में तो स्वाभाविकता यह अधिकार सी में निहित हो जाता है. व्हाइल दिस प्रॉपर्टी द राइट ऑफ अ लेजी मे बी नॉन ट्रांसफरेबल एंड इन सच केस ही कैन नॉट ट्रांसफर हिज राइट टू अनदर पर्सन. जबकि पट्टा में अधिकार अगर अनंतरण ली है तो अंतरित नहीं कर सकता है. Except the easement by imposition, all the easements are based on law, based on the legal recognition, while lease is always an act of parties. पट्टा हमेशा ही करार पर आधारित है, जबकि अधिरोपित सुखाचार के सिवा में सभी सुखाचार विध की प्रक्रिया पर आधारित है, विध की दिन है. देर इज नो फॉर्मेलिटी टू कॉन्स्टिट्यूट एन इजमेंट टू ग्रांट एन इजमेंट. व्हाइल एक्सेप्ट सम सिचुएशन फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग लीज ओके. यहां किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, जबकि यहां प्रायः औपचारिकता आवश्यक होती है जहां वर्षानुवर्षी पट्टा है या एक वर्ष अधिक समय की अवधि के लिए है, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए है, तो ऐसे में उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. इफ लीज इज फॉर मोर देन वन ईयर ऑफ इट इज अ लीज ऑफ ईयर टू ईयर देन रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. सुखाधिकार का कोई निश्चित काल नहीं है एक्सेप्ट एन इजमेंट इम्पोज्ड बाय द सर्वेंट ओनर. देर इज नो सर्टेन पीरियड ऑफ एन इजमेंट व्हाइल देर इज सर्टेन पीरियड फॉर अ लीज. भारतीय सुखाचार अधिनियम से सुखाचार संचालित होता है जबकि यह टीपीए से होता है. यह संपत्ति को प्राप्त होता है और यह व्यक्ति को या व्यक्तियों की निश्चितता जरूरी होती है. व्यक्ति को प्राप्त होता है और व्यक्तियों की निश्चितता जरूरी है. लीज इज ऑलवेज ग्रांटेड इन फेवर ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन व्हाइल देयर इज नो स्पेसिफिक डोमिनेंट ओनर टू बी इज रिक्वायर्ड ओके बिकॉज द इजमेंट्री राइट इज बिलोंग टू द प्रॉपर्टी. सुखाचार एक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, उस पर जो कोई भी आएगा उसे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पट्टा एक निश्चित या निश्चित एक से अधिक निश्चित व्यक्तियों के ही पक्ष में हो सकता है. सो वी हैव डिस्कस्ड दीज टू डिफरेंसेस ओके. एंजॉय द लेक्चर.